पीछे डाल दो पीछे। जा रहा बकरी तो पकड़ो उधर। पहले अच्छी सी धो ले और मटन ही चाहिए। और अभी अभी बकरा काटा हमने बहुत बेहतरीन तरीके से और बहकाया भी हमने उसको बढ़िया तरीके। और देखिए मटन लेग पीस है, अब इसमें लगे मटन का लेग पीस पीस काफी बहुत ही कमजोर मटन लगता है। और ये हमारी जार है, ये पानी की व्यवस्था हमने करी है और बोतल है। व्यवस्था करनी पड़ती है, पता चला वहाँ पानी चिकन भी यहीं से धो के जा रहा है क्योंकि वहाँ पे जंगल में हमको पानी नहीं मिल सकता, तो इसलिए हम पैसे मैनेज करके चल रहे हैं। पानी की कमी की वजह से चिकन के आ रहे आ रहे आ गया। आज हम पूरी तरह से यहाँ पे एंजॉय करेंगे छुट्टियां जो है। देखिए कितना शानदार नजारा है, हर कोई यहाँ आपके मनमोह लेगा और यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। क्या प्रकृति ने क्या बना रखा है, वाह मानो कि प्रकृति से ही प्रेम हो गया है। तो हमें प्रकृति से काफी प्रेम है, तो इसलिए प्रकृति के गोद पर और प्रकृति के हर समय हम एक पल क्षण को हम यहाँ पे व्यतीत करने के लिए आते हैं। और देख सकते हैं कितने अच्छे देवदार के जो वृक्ष हैं और कितने अच्छे से सजो रखे हैं यहाँ के जो लोगों ने। वाह, चंद्रकांत भंडारी जी कुछ कहना चाहते हैं? बस यही कहना चाहेंगे कि बहुत ही अच्छा लगा हमको इधर आके और आगे आगे देखिए होता है क्या। थाली है क्या? प्लेट है ना। अच्छा तो थाली क्यों ना है? गाइज आज संडे है और छुट्टी का दिन है, तो हम लोग ऐसे घूमने निकले थे तो सोचा एक छोटा सा ब्लॉग भी बना लें। और यहाँ पे हम लोग अभी खाना चिकन वगैरह बना रहे हैं और मेरे साथ में तीन फ्रेंड है मेरे, तो चलिए आपको मिलाते हैं उनसे। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर, पहाड़ प्रकृति की गोद में बसा हुआ। और ये सभी लोग अभी बिजी हैं अपने अपने काम में, चंद्र प्रकाश सिंह चौहान, चंद्रकांत भंडारी और मिस्टर विनोद सिंह दोसाद सर। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? चलिए आपको विनोद सर से मिलाते हैं, आज विनोद सर पहली बार हमारे साथ हैं, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? आपने मुझे आज ये जगह दिखाया, काफी मतलब मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं कोई बखान नहीं कर सकता हूँ। तो बहुत ही काफी मजा आया देखो प्रकृति में। आज आपने यहाँ से बिल्कुल सामने जो नजारा दिख रहा है, हिमालय दर्शन यहाँ पे साक्षात दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देवदार के वृक्ष, मानो की हम कौन से जंगल में, हम कौन से प्रकृति के गोद में आ चुके हैं। और यहाँ पे हम प्रकृति के प्रकृति को निहारने के साथ साथ हम यहाँ पे अपने कार्यक्रम भी आगे को बढ़ा रहे हैं और साथ साथ आनंदमय रूप से हम खाना बनाएंगे और भोजन करेंगे। और ये हमारे जो मित्रवर हैं ये सब लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से ये अपना काम संभाल रहे हैं। जो चीजें होती हैं वो तो नहीं बना, बोलना थोड़ा ना ये अभी थोड़ा इसको एक्सप्लेन नहीं, पहाड़ी छौका मार दिया। ये देखिए कितनी मेहनत से यहाँ पर आग जलाई इनने, बिना माचिस के इनने आग जलाई है। पत्थर को पत्थर के साथ तोड़ते ये लेप लगा रहे हैं। ये बर्तन जो है ना पकते हुए देखना है, ये टेक्निक है। मतलब जंगलों में अगर आपके बर्तन खराब न हो, मतलब इसमें मतलब जो धोने में काफी दिक्कत हो जाती है क्योंकि ये गैस में बनाने वाले बर्तन है, तो जंगल में हम लोग ऐसे ही सरवाइव करते हैं। तेल ले लिया थोड़ा सा कड़वा, फिर लगा लिया इसमें मारो, बाद में जब वॉश करोगे बर्तन को अपने यूटेंसिल को, बस बिल्कुल एक ही वक्त में साफ हो जाएगा। ये यहाँ का एक बेहतरीन टोटका है। चलिए ठीक है, चंद्र प्रकाश भैया अभी खाना बनाने में बिजी है, तो इसके बाद आपको मिलाएंगे इनसे। और एक हमारे बियर ग्रिल्स, पहाड़ी बियर ग्रिल्स बैठे हुए यहाँ पे, कुछ तो बोलिए दो शब्द। मैं आज क्रीम लगा के नहीं आया हूँ।
5000 किलोमीटर दूर आया। एक ये है उस ऊपर में समुद्र तल से कम से कम 50,000 ऊंचाई क्या किलोमीटर समुद्र तल से लगभग मानो 1800 मीटर की ऊंचाई पे बसा है। 1600 तो मैं वो है सिरापुर। मोटा मोटा चलेगा 15.5 कर लें। चलो ये हमारा चिकन बन रहा है, इसमें मसाला फिलहाल फ्राई हो रहा है। चंद्र प्रकाश मटन बोल रहे। अच्छा मटन बना रहे हम लोग आज। तो चंद्र प्रकाश सिंह चौहान जी इसको संभाल रहे मटन का डिपार्टमेंट। और यहाँ पर चावल, मटन चावल, मीट बात यहाँ पर खाएंगे आज हम। और बात बात में जो हमारे पंडित जी हैं वो विनोद सिंह दोसा जी, तो अलग सर ने यहाँ पर रसोई लगाई है, काफी धार्मिक है। क्योंकि मैं जो बनाता हूँ पहले अपने हाथ का ही खाता हूँ, है ना। क्योंकि अभी हाल ही में मैंने एक कुछ संस्कार कर रखा, उस संस्कार फिलहाल जो पहाड़ी में जो हमारे रीति संस्कार दैट आर द रिचुअल्स ब्यूटीनेस ऑफ आवर उत्तराखंड, देयर इज नो वर्ड टू डिफाइन अबाउट इट। सो ये हमारा जो इसे आप ये बिरबल की खिचड़ी मत समझिएगा, ये धीरे धीरे यहाँ पे हमारी जो अभी आग देखे ऐसे कोई संसाधन की कोई कमी नहीं है हमारे वहाँ पे उत्तराखंड में। जहाँ भी जाओ वहाँ पे भंडार संसाधन सही लग रहा है। काफी मुश्किल से ये आग जल पा रहा है ये, लेकिन हम तब तक छोड़ेंगे नहीं जब तक जलेगी नहीं। ये सही बोला हिमालय के नीचे होते हुए भी हाँ। फिर भी आपको ठंड नहीं लग रही है, ये कौन सी बूटी खाई है बाबा? ये बूटी नहीं है, ये जाहिर से सच बात बोलो तो ये प्रकृति की देन है। और ये मेरे पहाड़, ये मेरे उत्तराखंड, और ये मेरी देवभूमि। और जो देवदार के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं आपको सामने, मानो कि अगर आप देवदार के वृक्ष के बीच में बैठे हो तो वहां सारी ठंडी हट जाती है। और जैसे हमारे सामने ऐसे जो अच्छी अच्छी जो लकड़ियां हैं यहाँ के, है ना, उनसे जो जली आग लादू थोड़ा उनसे तपन है? जो बच्चे जो बचपन में हमारे वहाँ होते हैं, बच्चों को जन्म होने के समय यहाँ पे अक्सर पहले कोयले की तात दी जाती ताकि बच्चे के जो मांस है मांसपेशियां स्ट्रांग बने। वही बात है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे प्रिय मित्र 4 दिनों से आग जला रहे हैं और आग जल नहीं पा रही है, अंततः आग जल चुकी है। सक्सेस पाई ली। वाओ फाइनली फाइनली। कब से भूखे थे और आज हमारी पहली कुक करने पहली सीटी मारी, पहली सीटी मारी। अब हम खुश हुए, लगता है कि हमें कुछ भोजन मिलने वाला है, है ना। ये देखिए हमारा भोजन हमको प्राप्त हो जाएगा। और सीटी आ गई तो लगभग ये लगने लगा पहली आशा कि हमको भोजन मिल जाएगा और हमारा पेट भर जाएगा। और उसके बाद हम इसके बाद दूसरा पड़ाव करेंगे। अरे यार वाओ
ये कई मतलब मुसीबतों के बाद हमारा ये चावल बन गया है। और देखे कितना अच्छा चावल बना है, ऐसा तो 5 स्टार में भी नहीं मिलता, लेकिन 5 स्टार क्या 10 स्टार हमारे ये जंगल खुद ही है। और इस चावल को पकने में शायद ही इतने सरल है। वाह मसा वाह, लग रहा है अंदर नीट बात करे। वाह ये कढ़ाई है, इसका तो कुछ रखा ही नहीं, चाट चाट के। कहते कि पहाड़ी में आयरन मिलता है, और जो इसको चाटता है उसको किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं हो सकती है। इट कांट बी अ सफर फ्रॉम द एनी काइंड ऑफ डिजीज। और ये जो हमारा जो आग है, हमने ना कोई केमिकली गैस का यूज किया, हमने स्वच्छ जो प्राकृतिक जो लकड़ी है, ईंधन लकड़ी, उसका यूज किया है। मजा आ गया, इट्स अ वेरी अनफॉरगेटेबल मोमेंट फॉर अस विद यू ऑल गाइस, एंड वी विल नेवर मिस दिस मोमेंट, एंड वी विल meet again and again in our life, definitely. Thank you. आज हम साउथ अफ्रीका के जंगलों में भटक रहे हैं। यहाँ रास्ता ढूंढना बहुत मुश्किल है, हमको रास्ता मिल नहीं सकता है। आइए देख सकते कैसी लगता है कि पहले थे एज में ये रास्ता बना होगा, लेकिन आज हम उस रास्ते से पहली बार जा रहे हैं और हमको काफी अच्छा लग रहा है जाने में। उस जमाने के लोग तो देखो यार कितने अच्छे हुआ करते थे, जो ऐसे विशाल पत्थर को मतलब अपने बाहुबल से उठा लिया करते थे। और क्या है दूर, आज हम आपको बताएंगे इस बिहार जंगल में कैसे बिना खाने के आप सरवाइव कर सकते हैं। इधर ही बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, यहीं भी बैठ जाओ। ऐसे जंगल में अगर आप भटक जाए, अगर आपके पास खाने के लिए कोई साधन नहीं है, तो फिर एक ही साधन बचता है। What is this? पहली बार देखा मैंने आज, बहुत आपने ये देखिए, देख सकते हैं आप ये क्या है। What is this? आज सब तो हमने कंदमूल फल खाए, लेकिन ये है क्या? मैनमेड? Wow. मैनमेड है? Nice. चलिए थोड़ा एनर्जी हमें मिल चुकी है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखो ये क्या प्रकृति की छटा होती होगी, मतलब एक गहन ज्वेलरी, एक गहन अलंकार सा, एक मतलब प्रकृति ने अपने आप में ओढ़ा हुआ है, हम इसका बखान नहीं कर सकते। Time and you gotta do right, taking some of my lines.